परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना किसी पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मुंह ग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक अज्ञान को आच्छादित दिए जाए रहता है। तो गलत टाइपिंग आती है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना किसी पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मुंह ग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। भिक्षु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान बल धन बल या सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप होने से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशेष परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अभी तो जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की संकल्पना आरंभ होती है। जीव तथा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहता है। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को इच्छा जीव को संबंध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोच हो तो नहीं प्रभु सोच ही तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र और जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। ऐसे वैदिक मंत्र पुकार कर सकते हैं एस उवा साधु कर्म कायति तह यमो भयो लोकभय। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित हैं परमेश्वर की इच्छा से वह स्वतंत्र या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल अथा देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुकता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना दिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहलाता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। उसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी कहते हैं कि भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं। यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भवित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है सर्व ज्ञानप्लवेन ज्ञानिज्ञ सर्वकर्माणि तथा ना ही ज्ञानेन सदशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे गीता में 6.11 भी कहा गया है। बहुना जन्म नामनते अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण के शरण में जाते हैं। तो जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं जी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मार्ते संगुस्त कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मार्ते संगुस्त कर्मणि।